हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं प्यासी फिश मसाला। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मिर्ची को हम भूंज लेंगे। ये अच्छे से भुंजा गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। हमने 2 kg प्यासी फिश लिया है, इसे कट करके अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी, कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल, फिश में हल्दी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। मिर्ची को एक ओखली में डालकर हम इसे कूट लेंगे। एक साइड से फ्राई हो गया है, इसे पलट कर हम दूसरे साइड फ्राई करेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह बचे हुए फिश को भी हम फ्राई कर लेंगे। उधर फ्राई हो रहा है, तब तक हम मिर्ची को कूट लेते हैं। प्याज को भी हम कद्दूकस कर लेंगे। हमने सभी फिश को फ्राई कर लिया है। बचे हुए तेल में डालेंगे मेथी दाना। मेथी को अच्छी तरह से पकने देंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ सरसों। इसे हल्का लाल होने तक हम भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ प्याज। दोनों को मिक्स करते हुए हम भूनेंगे। टमाटर को हम बारीक काट लेते हैं। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। सभी को मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, साइड से तेल छोड़ रहा है। अब इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर जो हमने अभी कूटा है। थोड़ा सा डालेंगे जीरा गोलकी पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाला को पकने देंगे।
आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। इसमें ज़्यादा पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये फिश मसाला हम बना रहे हैं, फिश करी नहीं बना रहे हैं। ग्रेवी में एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए सभी फिशेस को हम डाल देंगे। इसी तरह हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक रहा है धीम आंच पे। बीस मिनट के आसपास हो गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम चूल्हे से उतार लेते हैं। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। फ्रेंड्स ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। वैसे हम लोग इसे रोटी के साथ खाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। खाते पीते रहिए, मस्ती में रहिए।